हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो आपके लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स का पता चलेगा। और आज मैं आपको फिर से पीछे वाले क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछे थे, फिर आप इनको मैच कर लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सवालों के जवाब ये रहे। पहला प्रश्न था, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ओके, दूसरा क्वेश्चन था, पंजाबी भाषा की लिपि का क्या नाम है? तो पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरमुखी है। तो आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1988, बी 1999, सी 2000 या डी 1985। इसका सही जवाब होगा ए 1988 में गूगल की स्थापना हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए हरी मिर्च, बी काली मिर्च, सी इलायची या फिर डी लाल मिर्च। इसका सही जवाब है, मसालों का राजा जो है वो काली मिर्च को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? ऑप्शंस हैं ए आम के, बी अंगूर के, सी केले के या फिर डी महुआ के। इसका सही उत्तर होगा सी केले के, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ओके, अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? ऑप्शंस हैं ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार या फिर डी पांच बार। इसका सही उत्तर होगा, बाबर ने भारत पर पांच बार आक्रमण किए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी ब्रिटेन, सी चीन या फिर डी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा बी ब्रिटेन, कोहिनूर हीरा आज भी ब्रिटेन के पास ही है। हमारा अगला प्रश्न है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए सारनाथ, बी प्रयागराज, सी वाराणसी या फिर डी लखनऊ। इसका सही जवाब होगा, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए हीराकुंड, बी टिहरी, सी नागार्जुन या फिर डी माता टिल। इसका सही उत्तर होगा बी टिहरी, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये वैसे सबको पता होना चाहिए। ऑप्शंस है ए यमुना, बी गंगा, सी कावेरी नदी या डी घाघरा नदी। इसका सही उत्तर होगा बी गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं ए रेसलिंग, बी क्रिकेट, सी वेटलिफ्टिंग या फिर डी बॉक्सिंग। इसका सही जवाब होगा सी वेटलिफ्टिंग, मीराबाई चानू वेटलिफ्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए जौनपुर, बी गाजीपुर, सी मुगल सराय या फिर डी सारनाथ। इसका सही जवाब है, काशी की बहन गाजीपुर शहर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है?
ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब या डी झारखंड। इसका सही उत्तर होगा कोयल जो है वो झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है, आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। ऑप्शंस है ए बजरंग पुनिया, बी विजय कुमार, सी मेजर ध्यानचंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। अगला प्रश्न है पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। ऑप्शंस हैं ए आम, बी संतरा, सी अंगूर या डी लीची। इसका सही जवाब होगा ए आम, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल भी आम ही है। ओके अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। ऑप्शंस है ए यमुना, बी कावेरी, सी सतलुज या डी मंदाकिनी। इसका सही उत्तर होगा बी कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी इटली, सी श्रीलंका या डी भारत। इसका सही जवाब है डी भारत। ये आंसर वैसे सबको पता ही होगा कि भारत के लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शंस हैं ए बेसबॉल, बी आइस हॉकी, सी हैंडबॉल या फिर डी फुटबॉल। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी शिमला, सी मुंबई या डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था। ऑप्शंस हैं ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी जापान। इसका सही जवाब है सी पाकिस्तान, पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाभारत का पुराना नाम क्या था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए रामायण, बी जय संहिता, सी गोत्र या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा बी जय संहिता, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ओके अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। ये आपको सुनते ही लग रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कम लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शंस हैं ए बंदर, बी बाघ, सी मधुमक्खी या डी कबूतर। इसका सही उत्तर है सी मधुमक्खी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये कि कुत्ते के अलावा एक मधुमक्खी ऐसी है जिसको बम ढूंढने के लिए ट्रेंड किया जाता है। ओके चलिए तो अब टाइम है आपके लिए होमवर्क का। आपके लिए प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है हरित क्रांति के जनक कौन हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है हरित क्रांति किससे संबंधित है। इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।